आप सरकार में मंत्री रहे संदीप कुमार की सेक्स सीटी सामने आने के बाद दिल्ली में सियासत गर्म है। बीजेपी ने इसके खिलाफ आज सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया और आप सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी का कहना है कि वो इस मामले में संदीप कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कराएगी। वहीं सेक्स सीटी सामने आने के बाद पद से हटाए गए संदीप कुमार ने मामले पर सफाई दी है। संदीप का कहना है कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, सेक्स सीटी में वह नहीं है, यह जांच का विषय है। संदीप ने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूं, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, मैं दलित हूं और दलितों का हमेशा उत्पीड़न हुआ है, मैं समाज के लिए बलिदान देने वाला आदमी हूं, मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल चल रहा है। आपको बता दें कि संदीप कुमार सुल्तानपुर माजरा सीट से विधायक हैं। वह केजरीवाल सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री बने थे। आपत्तिजनक सीटी में संदीप कुमार दो महिलाओं के साथ कथित रूप से आपत्तिजनक अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। इस सीटी के सामने आने के बाद केजरीवाल सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया है, लेकिन शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार ने यह सीटी 15 दिनों तक छिपाए रखी। वहीं डैमेज कंट्रोल करने में जुटे सीएम केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए वीडियो संदेश जारी किया है। केजरीवाल ने इस वीडियो में कहा है कि वो इस कांड से निराश है, हमें दुख है कि हमारी पार्टी में इस तरह के लोग हैं, लेकिन हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, भले ही पार्टी बंद करनी पड़े। इसी के साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के कई मुख्यमंत्रियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। तोमर आसिम और अब संदीप, केजरीवाल सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल में तीसरे मंत्री की छुट्टी हुई है। इस मामले पर सियासत गर्म है और जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, माना जा रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को अभी और भुनाएगा। देखते रहिए टीवी लाइव।